शिव जी के जटा में जैसे गंगा निकल रहा है देखिए। हेलो गाइस, जय भोलेनाथ, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं बरमपुर से 40 किलोमीटर दूर वो गंजम डिस्ट्रिक्ट का काशी विश्वनाथ। हम अभी बरमपुर से पहले जाएंगे दिगोपांडी, जो कि बरमपुर से है 30 किलोमीटर दूर, और वो दिगोपांडी से हम जाएंगे अंदर 15 किलोमीटर, वो लेफ्ट साइड जाएंगे 15 किलोमीटर। उसके बाद पड़ेगा पहला काशी विश्वनाथ जाएंगे घूमेंगे, उसके बाद और एक शिव टेम्पल है उसका नाम है उजलेश्वर, वो जाएंगे, और उसके पास एक डैम है वो डैम भी घूमेंगे। कोड़ाहाड़ा डैम उसको बोलते हैं। देखिए ये एक पाकिस्तानी पास है। किलोमीटर जाने के बाद हम जाएंगे, पहुंच जाएंगे पूंजी को यहाँ छक, जिस छक से हमको लेना है लेफ्ट साइड 15 किलोमीटर पूंजी को यहाँ छक के आगे, पूंजी को यहाँ छक के आगे जाएंगे, उसके बाद हम लेंगे लेफ्ट। चलिए, ये है दिगोपांडी का पास। नहीं चलो, हमको यहाँ से अब हमको पूंजी का यहाँ छक पड़ेगा। ये देखिए आगे ये है हमारा पूंजी का छक, यहाँ से हम जाएंगे सीधा यहाँ छक से। हम राइट जाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको देखिए लेफ्ट जाएंगे, नहीं सीधे जाने के बाद लेफ्ट। एक बोर्ड मिलेगा आपको जिसके लिखा होगा गुड बाय, लिखा है देखो, ये बड़े घोड़ाहाड़ देखिए, यहाँ उजलेश्वर लिखा है, घोड़ाहाड़ लिखा है। लेफ्ट साइड एक पड़ेगा रास्ता, आप उधर से सीधा जाएंगे। इधर से है 20 किलोमीटर लिखा है यहाँ से, हम अभी जाएंगे 20 किलोमीटर, उसके बाद और 7 किलोमीटर जाएंगे। मैंने आपको 15 बोल दिया था लेकिन 20 होगा। चलिए, हम अब आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, बाकी थोड़ा रास्ता है वो भी पहुंच जाएगा। ये इसमें लिखा है काशी विश्वनाथ 4 किलोमीटर और कमलापुर लिखा है। यहाँ से आपको जाने से काशी विश्वनाथ पड़ेगा, और आपको सीधा जाने से पड़ेगा हमारा घोड़ाहाड़ा डैम और उजलेश्वर मंदिर। घोड़ाहाड़ा डैम उजलेश्वर सीधा जाने से पड़ेगा। भी आ रहे हैं देखिए, पहन लेता हूँ, बहुत ज्यादा धूप है। देखिए फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ से राइट जाने के बाद पड़ेगा। थोड़ा धुआं धुआं हो चुका है, अभी थोड़ा काम चल रहा है इधर। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखिए कितना भीड़ है, आज सोमवार है इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ गाड़ी पार्किंग के लिए 10 रुपीज लेते, देखिए बस स्टैंड पे पार्किंग का टिकट 10 रुपीज काटने के बाद हम आए हैं यहाँ पार्किंग करने के लिए। इस साइड में कुछ लगाएंगे, इधर हम पूरा अंदर चलो। यहाँ पार्किंग कर दिए, आज सोमवार है, बहुत भीड़ है, मेला लगा है। हम अभी जाएंगे मंदिर, उसके बाद दिखाएंगे आपको मंदिर में क्या क्या कैसा भगवान है दिखाएंगे। देखिए कितना भीड़ जमा है। यहाँ लोग सब आके पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ पर खाने का भी प्रसाद, खाने का भी व्यवस्था है।
वाले रोटी तिंडा पकड़ी पड़ेगी। हम खरीद चुके हैं भोगो, यहाँ लगाएंगे दीप और धूप। ऊपर मंदिर है, यहाँ पे एक नंदी देव है और देखिए वहाँ शिव की जटा से गंगा बह रही है। बहुत बढ़िया जगह है इधर। जाएंगे मंदिर के अंदर कुछ सीढ़ियां चढ़ के। एट भी कहा लगता है इधर है ना तो 10 रुपीज। अच्छा आपू का सब ये है 5 रुपीज दर्शन के लिए। यहाँ पे मालपा, मालपुआ, लड्डू, खिचड़ी सब यहाँ मिलता है 10 रुपीज में। हम ऊपर जा रहे हैं, देखिए ऊपर जाएंगे। आपको एक जो गुफा दिखा मंदिर के अंदर, वो गुफा के अंदर है भगवान, लेकिन आज बहुत भीड़ है इसीलिए उसके अंदर जाने के लिए बना है। अगर खाली टाइम पे आएगा, ये सीजन चल रहा है ना इसीलिए खाली टाइम पे आएगा तो वो गुफा के अंदर जाने देंगे। देखिए और चार तरफ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड व्यू है, ये हमारा हनुमान जी का स्टैचू, ये है लॉक, देखिए कितना भीड़ है। हम जाएंगे यहाँ से नीचे, यहाँ पे ये मंदिर है। टीका लगा कर निकल चुके हैं मंदिर से बाहर और आपको दिखाएंगे बाहर का व्यू। टूटा हुआ मंदिर है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। व्यू देखिए, व्यू এখানে তলা রয়েছে ছাড় পড়া। इतना मस्त भी है देखिए। यहाँ से हम होते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर। Mm-hmm.
ये था मंदिर के बाहर का नजारा। यहाँ पे है देवी मंदिर। सिंदूर लगो, सिंदूर लगे आना की कैसे लगो। आपको काशी विश्वनाथ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप घूमने लिए आने का तुम्हारा हिंदी था कि संस्कृत था? मेरा हिंदी था। हिंदी बोलो ना क्लियरली। अब हम मंदिर घूम के निकल चुके हैं, अब जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। वहाँ पे क्या टिकट करना पड़ेगा 70 रुपीज का, और वहाँ पे हमको खाने के लिए राइस दाल खट्टा साग सब कुछ मिलेगा। अब हम जाएंगे वहाँ टिकट करके वहाँ खाएंगे। हम अभी जाएंगे एक टिकट खरीदेंगे, उसके बाद प्रसाद सेवन करेंगे। टिकट तो टिकट देखिए, हम अभी टिकट ले चुके हैं, अब जाएंगे कितना टिकट खाने के लिए प्रसाद। चलो यहाँ पे हमारा प्रसाद मिलता है। गजा यह मलका तो खिचड़ी लड्डू मालपा। अब हम जाएंगे जो टिकट कटे थे प्रसाद सेवन के लिए, वहाँ जाएंगे प्रसाद खाएंगे, और उसके बाद जाएंगे घोड़ाहाड़ा डैम और उजलेश्वर। ये बाहर कुछ इस प्रकार का है, वहाँ पे शिव जी के जटा से गंगा माता निकल रहे हैं। अब हम बाहर निकल गए, तो वहाँ जाएंगे वहाँ प्रसाद के लिए जो टिकट काटे थे वहाँ जाके हम प्रसाद सेवन करेंगे। देखिए बहुत लोग यहाँ प्रसाद सेवन कर गए, हम भी अभी यहाँ करेंगे। यह बैच उठने के बाद हम अभी यहाँ खाने के लिए बैठे हैं। कैसा लग रहा है? वहाँ टिकट लेके वो देते हैं खाने के लिए प्लेट। अब राइस लग चुका है, अब करी लग रहा है। मेरा दोस्त खा रहा है। खाकर यहाँ से निकल चुका है। खाना बहुत टेस्टी था, वो 5 स्टार फेल मार जाए, फेल हो जाएगा इसके सामने। प्रसाद बहुत टेस्टी था। और अनलिमिटेड खाने के लिए मिलता है 70 रुपीज में। आप भी आइए यहाँ और एंजॉय कीजिए। ये था हमारा काशी विश्वनाथ का टूर, और उसके बाद जाएंगे हम अभी घोड़ाहाड़ा डैम और घोड़ाहाड़ा डैम और उजलेश्वर। अगर इस वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। और यहाँ पे हमारा जर्नी काशी विश्वनाथ का ही खत्म होता है। टाटा बाय बाय, जय भोलेनाथ। लाल लाल देख यहाँ से हमारा जर्नी खत्म होता है काशी विश्वनाथ का, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जो है। उसके बाद हम जाएंगे उजलेश्वर, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। यहाँ पे आखू चलिए बाय बाय कर। हम अभी काशी विश्वनाथ से निकल चुके हैं, अब जाएंगे हम उजलेश्वर की ओर। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं अगले वीडियो में उजलेश्वर का व्यू दिखाऊंगा। अब तक के लिए यही, चलिए उजलेश्वर में मिलते हैं।